चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिखा ब्यूटी वर्ल्ड में। तो आज मैं ये विंटर स्पेशल फुल कवरेज स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। मैंने ग्रीन ग्लिटरी आई मेकअप किया है विद शार्प विंग्स और लेंसेज मैंने पहने हैं टर्कोइज कलर के नेत्रा ब्रांड से। आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगेगा। अगर आप जानना चाहते हैं लुक मैंने कैसे किया है तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैबेलिन फैशन ब्राउ क्रीम पेंसिल ब्राउन शेड से अपने आईब्रोज़ को आउटलाइन करूँगी और अंदर स्ट्रोक्स भी बना रही हूँ। फिर एक स्पूली ब्रश से उसे अच्छे से कोम कर लूँगी, ताकि पूरा शेड इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो। फिर मैं ब्यूटी ग्लेज गॉर्जियस में पैलेट ले रही हूँ, उसमें से ये ब्लैक मैट आई शेडो लेकर उसे एंगुलर ब्रश से फिल कर लूँगी। अब मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, उसे भी मैं फिल कर लूँगी, ताकि आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक से ना लगे, थोड़े नेचुरल सा कलर आए उसमें। और स्पूली ब्रश से मैं आईब्रोज़ को कोम कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं कि आईब्रोज़ के फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा लाइट रखना है। अब मैं बायोटिक का विजिबली एजलेस फेस सीरम लगा रही हूँ। फिर आईब्रोज़ को शार्प सा लुक देने के लिए मैं मैबेलिन का एज डिवाइन कंसीलर ले रही हूँ मीडियम शेड, और एंगुलर ब्रश से इसे आईब्रोज़ के बॉर्डर्स पर लगा लूँगी। तो इसे बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखता है आईब्रोज़ का शेप। और सेम कंसीलर को मैं अपने आईलिड पर भी एज ए आई शेडो बेस लगाऊंगी और उंगली से उसे डैब करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। फिर कंसीलर को सेट करने के लिए मैं लॉरियल पेरिस मैट मैजिक ऑल इन वन कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। मेरा शेड है गोल्डन आइवरी और इसे पाउडर ब्रश से मैं अपने आईलिड पर लगा लूँगी, ताकि कंसीलर सेट हो जाए। अब मैं सेम आई शेडो पैलेट से लाइट ब्राउन शेड लेकर अपने क्रीज पर एज ए ट्रांजिशन शेड लगाऊंगी और इसे स्वाइपिंग मोशन में ब्लेंड करते हुए लगाऊंगी, ताकि कोई भी हार्श एज ना रहे। फिर मैं ये ब्रिक रेड सा ब्राउन शेड ले रही हूँ एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से अपने क्रीज पर, ताकि क्रीज को थोड़ा सा डेप्थ मिले, और इसे इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं ये ग्रीन शेड लेकर एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से अपने क्रीज पर स्वाइप करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। मैं तब तक इसे ब्लेंड करूँगी जब तक ये अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाए ब्राउन शेड के साथ। ये शिमर ऑलिव ग्रीन सा जो शेड है इसे उंगलियों से पूरे आईलिड पर लगा लूँगी। तो पूरे आईलिड को मैं कवर कर लूँगी, क्योंकि आज मैं ग्रीन ग्लिटर आई मेकअप करने वाली हूँ, तो ये ग्लिटर के लिए एक अच्छा बेस हो जाएगा। तो जो ग्लिटर है वो अच्छे से उभर के आएगा, शार्प दिखेगा। तो इसे उंगलियों से मैं लगा लूँगी, फिर ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडिंग ब्रश से। तो इसी ग्रीन आई शेडो के ऊपर मैं यूरोप गर्ल पेरिस 02 पैलेट ले रही हूँ, ग्लिटर आई पैलेट है ये, और इसमें से ये ग्रीन ग्लिटर मैं उंगलियों से आईलिड पर लगा लूँगी। तो बॉर्डर्स में प्रिसाइजली लगाने के लिए मैं बीच बीच में फ्लैट आई शेडो ब्रश का भी यूज़ करती हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छे से कॉर्नर्स पे भी लग जाता है, फिंगर से बाहर लगने के चांसेस होते हैं, तो दोनों का ही यूज़ करती हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं, तो बॉर्डर्स में ये अच्छे से लगा सकते हैं इससे। फिर मैंने क्लीन कर लिया है एक क्लीन क्लोथ से, देन मैंने उसी मैट ग्रीन आई शेडो को ब्लेंडिंग ब्रश से क्रीज पर लगाकर ब्लेंड कर लिया है। अब इस मैट ब्राउन आई शेडो को आउटर वी पर एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से लगाकर ब्लेंड कर लूँगी, ताकि एक हल्का सा स्मोकी इफेक्ट मिले। देन अपर लैश लाइन को आउटलाइन करने के लिए स्टिक वर्की का लिक्विड लाइनर ले रही हूँ और शार्प विंग बना लूँगी मैं। लैक्मे का ग्रीन स्टार लाइनर ले रही हूँ और ब्लैक विंग के नीचे एक ग्रीन विंग बना लूँगी। इसके बाद मिस क्लियर का सॉफ्ट गोल्डन काजल ले रही हूँ और अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन करूँगी और लोअर लैश लाइन पर बोल काजल ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं ब्लैक काजल के ऊपर नायका ग्लैमराइज काजल यूज़ कर रही हूँ। मेरा शेड है टील स्पेल, तो ये शिमरी टील ब्लू जैसा शेड है और इसका फिनिश काफ़ी स्मूथ है, तो दोनों ही ब्लेंड होके बहुत ही अच्छा सा फिनिश देगा। और एक पेंसिल ब्रश से मैं मैट ग्रीन आई शेडो को काजल के नीचे लगाकर स्मच कर लूँगी पूरे काजल। अब लैशेस को कर्ल कर लूँगी और इसके बाद मैबेलिन फॉल्सेस पुशअप ड्रामा मस्कारा लगाऊंगी। ये मस्कारा मुझे काफ़ी पसंद है, ये लैशेस को काफ़ी अच्छे से लिफ्ट अप करता है, कर्ल करता है और वॉल्यूम भी देता है।
तो अच्छे से इसे अपर और लोअर लैशेस पर लगा लूंगी। अभी विंटर है और ऊपर से ये ब्राइडल मेकअप भी है, तो फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं गुडवाइज का आंगन फेशियल ऑयल ले रही हूँ विद गोल्ड लिप्स और इसके कुछ ड्रॉप्स लेकर हाथ से ही मैं ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन से पहले प्राइम करना काफ़ी ज़रूरी है, इससे स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाता है, पोर्स भी मिनिमाइज होते हैं और अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है। तो मैं लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और इसे डॉट करके पूरे फेस पर लगाकर हाथ से ब्लेंड कर लूँगी। इसका फिनिशिंग काफ़ी स्मूथ है, मुझे बहुत पसंद है ये प्राइमर। चिन में थोड़ा सा रेडनेस है पिंपल्स का, तो उसे हाइड करने के लिए मैं निक्का के करेक्टर एंड कंसीलर CC02 पैलेट से ग्रीन कंसीलर ले रही हूँ और इसे हाइड कर लूँगी। देन ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हैं, पर फिर भी थोड़ा सा जो डार्कनेस है उसे हाइड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैं ऑरेंज स्टिक कंसीलर ले रही हूँ NYB का, और माउथ के साइज़ में जहाँ पे थोड़ा सा अनइवन लगा वहाँ पे भी मैंने लगा दिया है और इसे डैप करते हुए ब्लेंड कर लिया है। अब मैं मीनाओ का HD ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर कंसीलर के ऊपर लगाकर उसे सेट कर लूँगी ताकि फाउंडेशन लगाने के बाद ये उसके साथ मिक्सअप ना हो। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ मैबेलिन सुपरस्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन, मेरा शेड है 220 नेचुरल बेज, तो इसे डॉट करके फेस पर लगा लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। तो नेक एरिया पे भी लगाना है ताकि अच्छे से आपके फेस के साथ नेक एरिया भी मैच हो। तो उसका कवरेज आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, ये सभी स्पॉट्स को अच्छे से हाइड कर देता है, फुल कवरेज है। अब वेट एंड वाइल्ड का कॉन्ट्रोल स्टिक ले रही हूँ, मेरा शेड है ओक्स ऑन यू, इससे मैं अपने नोज़, फोरहेड, हॉलोज ऑफ चिक्स और जॉ लाइन को कंट्रोल कर लूँगी। इससे फेस काफ़ी स्लिम लगेगा और शार्प लगते हैं फेशियल फीचर्स। अब मैबेलिन एज रिवाइंड कंसीलर लेके मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी, फोरहेड, नोज ब्रिज, अंडर आई एरिया, चिन पर और हॉलोज ऑफ चिक्स पे लगाऊंगी मैं इसे, और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं डैप करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। अब फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करने के लिए मैं लॉरियल पेरिस मैट मैजिक कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, मेरा शेड है गोल्डन आइवरी, इसे पाउडर ब्रश से मैं अपने फेस पर और नेक पर लगा लूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए फाउंडेशन। अब पाउडर कॉन्ट्रोलिंग के लिए मैं मैबेलिन का वी फेस ब्लश कॉन्ट्रोल यूज़ कर रही हूँ, मेरा पैलेट है ब्राउन और इसमें से ये ब्राउन शेड लेकर मैं अपने फेस को कॉन्ट्रोल कर लूँगी। नोज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं अक्सर स्मॉल ब्रश लेती हूँ या फिर फिंगर्स से करती हूँ, तो इस तरह से मैं नोज़ के साइज़ में लगा के इसे ब्लेंड कर लूँगी। मीनाओ HD ट्रांसलूसेंट पाउडर से मैं अपने फेस को अब बेक करूँगी, तो ये काफ़ी अच्छा पाउडर है, बहुत ही लाइट वेट है, फाउंडेशन को भी आप सेट कर सकते हैं और बेकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो एक स्मॉल ट्रायंगुलर ब्रश से मैं इसे लगा रही हूँ, तो फोरहेड, नोज ब्रिज, चेन, अंडर आई एरिया और हॉलोज ऑफ चिक्स पर मैं इसे लगा कर छोड़ दूंगी। तो कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही सेट होने के लिए रख देना है, तो तब तक लिपस्टिक लगा लूंगी मैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसे ब्रश से रिमूव कर दूंगी। तो लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है मैबेलिन सुपरस्टे मैटिंग लिक्विड लिपस्टिक, मेरा शेड है 20 पायनियर। तो ये लिपस्टिक काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और इसका जो ब्राइट रेड कलर है बहुत ही अच्छा लगता है ब्राइड्स पे।
और ये ब्राइडल मेकअप है तो लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक लगाना चाहिए और इसका शेड भी मुझे बहुत ही पसंद है एंड इसका जो एप्लीकेटर है ये बहुत ही अच्छा है लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए। अब तक मेरा बेकिंग सेट हो गया है और एक्स्ट्रा पाउडर को मैंने पाउडर ब्रश से रिमूव कर लिया है। देन अब मैं ब्लश लगा लूँगी, तो मैंने सेम मेबलिन का वी फेस ब्लश कंटूर पैलेट यूज़ किया है और इसमें से ये सेंटर में जो पीच शेड है उसे मैंने अपने एप्पल ऑफ चिक्स पर लगा लिया है, तो ये काफ़ी प्यारा सा पीची शेड है। ये फुल फेस ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल है तो बिना हाइलाइटर के बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला, ऊपर से ये ब्राइडल लुक है तो ब्राइड को वो एक्स्ट्रा ग्लो ज़रूरी है। तो मैंने हाइलाइटर के लिए लिया है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, मेरा शेड है मोल्टेन रोज गोल्ड। ये काफ़ी अच्छा शेड है और इससे मैं अपने ब्रो आर्च, इनर आई कॉर्नर, नोज ब्रिज, चिक बोन्स, फोरहेड, क्यूपिस बो और चिन को हाईलाइट कर लूँगी। तो ज़्यादातर मैं उंगलियों का ही इस्तेमाल करती हूँ हाईलाइटर लगाने के लिए। ब्रो आर्च और इनर आई कॉर्नर पर लगाने के लिए मैं स्मॉल पॉइंटेड सा ब्रश ले लेती हूँ, कोई भी आई शेडो ब्रश या फिर जो भी ब्रश आपको कम्फर्टेबल लगे मैं वैसा कोई भी ब्रश ले लेती हूँ। और अभी मैं अपने नेक एरिया और शोल्डर्स को भी हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ बॉडी एंड फेस शिमर, ये 7C's का है। तो मैंने 7C's का फेस एंड बॉडी हाईलाइट शिमर यूज़ किया है सिल्वर शेड में, इससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा, शोल्डर एरिया और नेक एरिया जो एक्सपोज रहता है ब्राइट के लिए वो शाइन करेगा। तो इसमें बहुत ही स्मूथ से पिगमेंट्स हैं तो बहुत सुंदर लुक आता है। और मैंने फेक लैशेस भी लगा लिए हैं, जेनेरिक ब्रांड से है, इसे मैंने अमेजन से परचेज़ किया था एंड इसका रिव्यू भी है मेरे चैनल में। आईलैश को लगाने के लिए मैं डुओ का स्ट्रिप ऑन लेस एडहेसिव यूज़ करती हूँ एंड लास्ट में मेकअप को सेट करने के लिए लॉरियल पेरिस इनफेलिबल प्रो स्प्रे एंड सेट मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। तो इसे अच्छे से पूरे फेस एंड नेक एरिया पे स्प्रे कर लूँगी, देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब कर दूँगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये फुल फेस ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आप अपनी शादी में खुद सजना चाहते हैं या किसी और को सजाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और भी ऐसे वीडियोस देख सकें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।